नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के मथुरा में अखिल भारतीय समता फाउंडेशन का हल्ला बोल प्रदर्शन। जनपद मथुरा के तत्वाधान में समाज सेवी रमेश सैनी अध्यक्ष महात्मा ज्योतिराव फूले विकास समिति उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में नगर निगम कार्यालय पर फुटपाथ विक्रेताओं, पेंटर, लोहार, चाट वाले, फल वाले, सीट कवर वाले, पान वाले, चाय वाले, प्लास्टिक के बर्तन बेचने वाले, बिल्डिंग वाले, सीट पोस्टर स्टीकर विक्रेताओं को विश्व प्रसिद्ध होली के त्योहार के मौके से पूर्व सैकड़ों लोगों को बेरोजगार किए जाने के विरोध में हल्ला बोल कर प्रदर्शन कर जिलाधिकारी मथुरा, नगर आयुक्त मथुरा एवं नगर मजिस्ट्रेट के नाम संयुक्त 7 सूत्री ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान गगनभेदी नारेबाजी के बीच प्रशासन के तानाशाही, गैर जिम्मेदार व्यवहार के खिलाफ लोकेश कुमार राही ने निंदा करते हुए बताया कि प्रशासन द्वारा भूतेश्वर से लेकर गोवर्धन चौराहे तक के मुख्य मार्ग को मॉडल रोड व मॉडल मार्केट के नाम से विकसित कर सौंदर्यकरण किया जा रहा है। 4 दशक से अपने परिवारों का भरण पोषण कर रहे पेंटर, लोहार, खोखा, ढकेल, फुटपाथ विक्रेता अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उपरोक्त उत्पाद विक्रेता नगर निगम प्रशासन द्वारा पंजीकृत एवं प्रमाणित है। विकास के नाम पर बिना वैकल्पिक व्यवस्था के हटाए जाने की आलोचना की 7 सूत्रीय ज्ञापन में। होली से पूर्व किसी भी फुटपाथ विक्रेता को हटाया ना जाए। पंजीकृत फुटपाथ ही विक्रेता वैकल्पिक व्यवस्था तत्काल चाहते हैं। फुटपाथ विक्रेताओं पर सरकारी लोन बकाया है। 14 दिन के अंदर अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो बाल बच्चों के साथ फुटपाथ विक्रेता आंदोलन को मजबूर होंगे। समस्त फुटपाथ विक्रेताओं ने एक सुर में एकत्रित होकर वार्षिक त्योहार होली से पूर्व महंगाई के जमाने में कारीगर, मजदूर, फुटपाथ पर काम करने वाले हुनरमंद लोगों को बेरोजगार किए जाने एवं बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। हटाने से पूर्व तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। हल्ला बोल प्रदर्शन के दौरान रमेश सैनी, महेंद्र चौधरी, सतवीर सिंह, आसिफ, गुड्डू शर्मा, दिगंबर गोस्वामी, साबिर मिस्त्री, विशाल नागर, दशरथ शर्मा, अतुल कुमार, धीरज आगरावाले, अंकित, हेमेंद्र सिंह, अमर सिंह, गौरव शर्मा, श्याम सुंदर, मानिक चंद शर्मा, हनी, शाकिर, अजय कुमार, मोहम्मद उमर, राशिद, दिनेश मिस्त्री, निसार खान, श्याम सुंदर, रोहतास तंवर, भोला बाबू, लाखन पेंटर, प्रमोद विद्यार्थी, संजय प्रेमी, जीवन लाल, गुंजन शर्मा, शान मोहम्मद, देवेंद्र गोला, उदय सिंह, आकाश बाबू आदि सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहे। मथुरा संवाददाता ब्रजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। नगर निगम आज अखिल भारतीय समता फाउंडेशन के तत्वाधान में हम लोग 7 सूत्रीय ज्ञापन नगर आयुक्त मथुरा, जिलाधिकारी मथुरा, नगर मजिस्ट्रेट मथुरा के नाम हमने ज्ञापन दिया है। आप देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भूतेश्वर से लेकर के गोवर्धन चौराहे को नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन एक मॉडल रोड के नाम में विकसित कर रहा है, मॉडल मार्केट के नाम से विकसित कर रहा है। ऐसे में जब मॉडल रोड बन रहा है तो वहाँ पर 45-50 साल से जो हमसे भी पहली पीढ़ी के लोग और आज तीसरी पीढ़ी के लोग वहाँ पर पेंटिंग का कार्य, लोहार का कार्य, चाट का कार्य, फल बेचने का कार्य, सब्जी बेचने का कार्य और एक तरीके नाई का कार्य, पान बेचने का कार्य, फल बेचने का कार्य, कपड़े बेचने, प्लास्टिक के बर्तन बेचने का कार्य करके वो हुनरमंद लोग अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं और गुजारा चल रहा है, वो अपना जीवन जी रहे हैं बगैर प्रशासन को परेशान किए। लेकिन जब से ये मॉडल रोड बनाने की बात आई है तो होली से करीब 10 दिन पूर्व भी हमको बेरोजगार कर दिया गया। जब पूरा संसार होली मना रहा है, पूरा देश होली मना रहा है, खुद जिला प्रशासन होली मनाने में व्यस्त है और होली ब्रज की सबसे ज़्यादा मशहूर है और होली पर ब्रजवासियों को ही भूखा रखने की ये षड्यंत्र जो किया गया है, ये सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है। आज हम 7 सूत्रीय ज्ञापन लेकर के, मांग लेकर के हम इनके नाम, जिलाधिकारी नाम, नगर आयुक्त के नाम और नगर मजिस्ट्रेट के नाम दिया है। हम ये चाहते हैं कि होली से पहले किसी भी फुटपाथ पर काम करने वाले दुकानदार को, कारीगर को, हुनरमंद को बेरोजगार ना किया जाए। हमारी मांग है कि क्योंकि उन लोगों पर सरकार के द्वारा लोन भी हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि नगर निगम प्रशासन के द्वारा उक्त फुटपाथी विक्रेताओं को प्रमाण पत्र और पंजीयन संख्या भी जारी की गई है। हम कोई एरा गेरा नत्तु गेरा नहीं है, हम रजिस्टर्ड नगर निगम प्रशासन के अंतर्गत शहरी पथ विक्रेता के नाम से जाने जाते हैं। हमें वहाँ से हटाने से पूर्व वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। जब तक हमारी वैकल्पिक व्यवस्था ना हो, हमें बेरोजगार ना किया जाए। होली से पहले हमारे घर में हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे होली आई बेरोजगारी लाई, हमें तो ऐसा लग रहा है कृष्णा नगर में विकास आया बेरोजगारी लाया। हम प्रशासन से मांग करते हैं शांतिपूर्वक तरीके से आज सैकड़ों की संख्या में इस कार्यालय पर आकर कि अगर हमारी, हमें वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई
14 दिन के अंदर, तो 14 दिन के बाद हम मैं बाल बच्चों के साथ हम प्रशासन का घेराव करेंगे और हम जान दे देंगे, लेकिन हम अपने रोजगार को नहीं छोड़ेंगे। हमें वैकल्पिक व्यवस्था चाहिए। आवाज दो, प्रशासन बहुत परेशान कर रहा है। हम जाति लोहार का काम करते हैं और इसको हमें परेशानी, उनको हमने बोला भी था तो वो लोग बात नहीं कर सुनते, भगदड़ती मचवा देते हैं, बहुत परेशानी है, रोजगार बंद हो जाते हैं। अब हम कहाँ जाएंगे? इससे जो है हमारी जो मतलब यह है कि समस्या थोड़ी व्यवस्था बनाई जाए, आप व्यवस्था हमारी बनाओगे तो बहुत अच्छी बात है। बोलो, मेरा यह कहना है योगी जी से भी और तुम्हारे जितने मेरे अधिकारी नगर आयुक्त वगैरह DM वगैरह के मतलब पेंथरों द्वारा पहचान मतलब जो होती है कराई जाती है, आज उन्हीं को मतलब उजाड़ा जा रहा है विकास के मतलब मामले में। आइसन में तुम्हारी जो गाड़ियों का जो नाम लिखा जाता है, पेंथरों लिखा जाता है, जितनी बड़ी गाड़ियाँ आपकी कूड़ेदान फलाना जितना जो सिस्टम होता है पेंथरों किया जाता है, आज उनकी पहचान को खत्म किया जा रहा है। तो मुझसे मेरा यही निवेदन है कि इनको कम से कम नहीं उजाड़ा जाए, ये कम से कम 50 सालों से यहाँ पे इस जगह पे बैठे हुए हैं जी। आइसन में इनके लिए कोई स्थान ऐसा दिया जाए कि मतलब मार्केट चले। आइसन में अगर ऐसा हो गया और मैं ये मतलब ये कहता हूँ अगर उजाड़ा दिया गया वहाँ से तो मैं वास्तव में कुछ करने के लिए तैयार हूँ। आज बोलो, रंगों के त्यौहार पर रंगों से दीवारों को सजाने वाले पेंटों के घर बेरोजगार किए जा रहे हैं। हम चाहते हैं, हमारी मांगे हैं कि हमारे साथ ऐसा अन्याय नहीं किया जाए, हमें कोई सुनिश्चित जगह दी जाए। बस यही हम कामना करते हैं कि हमारी ये सरकार हमारी सुनेगी और यही आस लेकर हम यहाँ नगर निगम ऑफिस आए हैं। मैं खोखे वाला हूँ और मैं हार्ट का पेशेंट हूँ और यदि मेरा खोखा तोड़ा गया तो मैं मुंबई तब तोड़ दूँ क्या? मेरे लिए कोई रोजगार नहीं है, मैं क्या करूँ? बुढ़ा आदमी बुढ़ापा मेरा पैसे, अगर आपको तोड़ना आप तोड़ लाओ ले आप मेरे खोखे को, मैं इसमें क्या करूँ साहब? और मुझको परेशान किया तो मैं मर जाऊंगा, मुझको ऐसा नहीं किया जाए, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ तुमको। अरे सरकार, हम चाट फूट का काम करते हैं, अपना स्टॉल चलाते हैं, गरीबों का पेट भरते हैं। जो लोग हमारे होटल नहीं जा सकते वो लोग हमारे पास आते हैं, खाना पीना खा के अपना लंच टाइम बिता के जाते हैं। और हमें देखिए, हमें हटाया जा रहा है रोड पर से, हम कहाँ जाएंगे? अपने बीवी बच्चों को लेकर रोड पर आ जाएं, हम कहाँ जाएं? हमारे पास कमाई का कोई दूसरा सोर्स नहीं है, जो भी है यही है, इसी से करते धरते हैं, खाना पीना खाते हैं, अपना ग्रह चला रहे हैं। इससे हमें ना हटाया जाए, कृपा करके हमें अपनी रोजगारी हमारा बना रहने दीजिए, बस इतना ही बोलना।